प्यार और स्नेह मिल रहा। एक एक किलोमीटर का रास्ता पार करने में हम लोग को आधा आधा घंटे का समय लग रहा है। ये जनता का जो जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से आज की तारीख में बिहार की जनता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार से पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। और हम लोग की आशीर्वाद यात्रा का मकसद भी यही था कि जिस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लें, तो वहीं मेरे नेता मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के अंतिम इच्छा उनके अंतिम सपने को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संकल्प जो वो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को कैसे धरातल पर उतारा जाए उसके लिए संगठन और समर्थन दोनों के लिए इस यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की थी। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो आप लोग मुझे रोकिएगा या टोकिएगा, पर हकीकत है ये जन सैलाब है, ये एक आंधी है, ये तूफान है, और अब ये आंधी तूफान किसी के रोके अब रुकने वाली नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं कर देगी, ये आंधी और ये तूफान रुकेगा नहीं। सड़क पर आप जाकर देख लीजिए जिस तरीके से धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात तूफान बिना किसी चीज की चिंता परवाह किए हुए युवा हो महिला हो बुजुर्ग हो जिस बड़ी तादाद में इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं, एक बात मैं पूरे विश्वास से कहूंगा कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। और ये मैं सिर्फ इस जिले की गया जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाजीपुर में आप लोगों ने देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, कटिहार में देखा, पूर्णिया में देखा, बेतिया में देखा, मोतिहारी में देखा, जितने जिलों से हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर हैं, कल हम लोग नवादा में होंगे गया करके, उसके बाद हम लोग नालंदा में होंगे। मैं आज ही आप लोग को विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतना ही अपार जन समर्थन आपको आने वाले तमाम जिलों में दिखेगा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है बदलाव के लिए, ये मन बिहार की जनता ने बना लिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी, और जितने जन समर्थन की मुझे उम्मीद थी अपेक्षा थी इस आशीर्वाद यात्रा से, उससे कई गुना बढ़कर मुझे ये जन समर्थन मिला। तो मुझे होता कि जिस तरीके से शासन प्रशासन इसमें विलंब डालने की कोशिश करता है, इसमें अड़चने डालने की कोशिश करता है, भैया हम लोग इतनी जगह गए, हम लोगों ने माल्यार्पण किया, हम लोग गांधी जी के प्रतिमा पर भी जाकर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लेते तो क्या बिगड़ता इनका। पटना में भी इसी तरीके से इन्होंने उस न्यायालय के सामने मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। भाई ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान आप लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं कर रहे, ये अपमान आप भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कर रहे। भारत रत्न है वो, हमारे संविधान के रचयिता है वो, आज देश चल रहा है तो उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर, और वहीं पर आप भूल जाइए ना चिराग पासवान भैया किसी पार्टी का नेता है कि नहीं है, पर एक आम नागरिक होने के नाते क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जाकर मैं उनको माल्यार्पण कर सकूं। उस पर आपने दरवाजे आपने बंद कर दिए, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को, जगदेव बाबू की प्रतिमा पर जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं भैया आपने ताले आपने लगा के रखे हुए हैं, मेरी समझ के परे है कि क्यों। अगर एक चिराग पासवान जाकर अगर वहाँ पर अगर माल्यार्पण कर लेगा, और मैं आपके तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को तैयार हूँ, मैंने अभी भी मैंने बहुत ईमानदारी से बहुत सभ्यता से बाहर दरवाजे पर ही अपनी माला टांग कर आया हूँ, आप लोग जाकर देखिए वहीं पर टंगी होगी, मैंने कोई हंगामा नहीं किया, मैंने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की, मैंने कानून का पूरी तरीके से पालन किया कि भैया आपने मना किया, मैंने कोई हंगामा नहीं मचाया, पर मना करने का कारण तो बताएं मुझे कि चिराग पासवान अगर जाएगा माल्यार्पण करेगा तो इससे क्या विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप मुझे बोलते थे कि भैया सिर्फ एक आदमी जा सकता है, दो आदमी जा सकते हैं, पांच आदमी जा सकते हैं, कम से कम जो मेरे नेता हैं या मेरे नेता ने जिनको अपना नेता माना है और जिसको एक पूरा देश नेता मानती है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या उनको जाकर हम लोग प्रतिमा पर उनकी माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से शासन प्रशासन हम लोग को रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं ये बात भी बोल दूँ, जितना आंधी है ये तूफान है, आप इसको जितना समेटने की कोशिश करेंगे ये उतना विराट रूप लेता जाएगा, ये उतना विराट रूप में फैलेगा। और ये आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे, इस यात्रा की जब से शुरुआत हुई तब से लेकर ये जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, और ये इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा बिहार लोजपामयी हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को वादे के साथ।
30,000 तेजस्वी की आज मीटिंग हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं बिल्कुल, हम लोग खुद चाहते हैं कि जातिता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आखिरी बार अगर मेरी याददाश्त अगर सही है और मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 1931 के बाद जातिता के आधार पर कभी जनगणना हुई नहीं। हम लोग इसका पूरी तरीके से हम लोग समर्थन करते हैं। भाई पता तो चले, केंद्र के कानून हो, केंद्र की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजना हो, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर होती है, जो कि एक वर्ग विशेष के आधार पर होती है। पर हम लोग को पता तो चले कि जो राशि आप आवंटित करते हैं, मान लीजिए किसी एक वर्ग को आपने एक्स अमाउंट ऑफ राशि आपने आवंटित की, क्या वो उचित है, क्या वो इनफ है उनके लिए कि नहीं? ये तभी हम लोग को पता चलेगा जब जातिता के आधार पर जनगणना होगी, जब हम लोग को पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। आखिरी बार जब हुआ था 1931 में, तब से लेकर अभी तक कभी दोबारा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से मांग करती है कि जातिता के आधार पर जनगणना। दलित मेयर कटिहार में जिनको गोली मार दिया गया दिन दहाड़े, इसके प्रति आपका क्या? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। उनकी मिसेज से मेरी आज सुबह ही बात हुई, कल रात जैसे ही ये घटना घटी मेरी एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, और तमाम हमारे जो साथी हैं, कुछ दिनों पहले ही 17 जुलाई को जब मैं कटिहार में था अपनी यात्रा के लिए, आशीर्वाद यात्रा के लिए, तो उस वक्त वो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे साथ मंच भी साझा किया था, उन्होंने अपने घर पर मुझे नाश्ते के लिए भी आमंत्रित किया था। बहुत ही सभ्य और सरल स्वभाव के वो व्यक्ति थे, पर जिस तरीके से दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, जिस वक्त वो मंदिर जा रहे थे, जैसे उनको गोली से उनको भूना गया है, ये कहीं ना कहीं ये सुशासन की पोल खोलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बार बार दावे करते हैं कि भैया हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, अगर यही जीरो टॉलरेंस है आपका क्राइम को लेकर, तो ये आए दिन इस तरीके की हत्या क्यों हो रही है? शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जब किसी न किसी जिले में कोई ना कोई हत्या नहीं हो रही हो, और ऐसे में दलितों को खास तौर पर चिन्हित करकर, दलितों को चिन्हित करकर मुख्यमंत्री और उनके सरकार अगर इस तरीके की कार्रवाई पे अगर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी, तो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिन पर सड़कों पर भी उतरने का समर्थन मिल रहा है। आगे चुनावी समर्थन चिराग जी, आपके लिए बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? नीतीश कुमार या आपके चाचा जिन्होंने पार्टी तोड़ी आपकी? मेरे लिए भाई कोई चैलेंज नहीं, जिसके साथ ये जनता का समर्थन हो, क्या आपको लगता है उसके लिए कोई चैलेंज होगा? और ये मैं नहीं, मैं चाहूंगा आपके कैमरा ही दिखाइए उसको क्या चैलेंज होगा। अभी आपके लिए बना लो।